केसेज आए हैं कोविड 19 के हम लोगों के मुजफ्फरपुर जिले में, जो कल 3 पॉजिटिव आए थे उसको लेकर के कुल 6 संख्या यहाँ हो गई है। हम लोगों ने जो 8 तारीख को सैंपल भेजा था लगभग 80 लोगों का, उसमें से ये 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। और इन लोगों में से एक व्यक्ति जो 34 साल के हैं, ये अहमदाबाद से आए हैं और हमारे बोचहा प्रखंड के हैं रहने वाले, और वहीं क्वारंटाइन कैंप में हमारे हैं। बाकी दो जो हैं उसमें एक 32 वर्ष के और एक जो हैं 49 वर्ष के हैं, ये लोग मुंबई से आए हैं और ये हमारे बंद्रा प्रखंड के रहने वाले हैं, वहाँ कैंप में रह रहे हैं। इन लोगों को हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर में इनका कोविड केयर सेंटर हमारा है उसमें रखेंगे, और इनके क्लोज कांटेक्ट जो हैं और ट्रेवल हिस्ट्री जो है उसका हम लोग सर्च कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करके और इनके जो निकट संबंधी या डायरेक्ट संपर्क में जो लोग हैं उनको भी हम लोग आइसोलेट करके उनकी भी सैंपलिंग कराएंगे, और बाकी जो एसओपी के हिसाब से कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। और ये संख्या चूँकि बाहर से जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई आए हैं उन्हीं में है, और ये लोग जो है विभिन्न प्रखंड के हमारे क्वारंटाइन कैंप में रह रहे हैं, इसलिए बाहर कहीं अभी हम लोगों को इस तरह की सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि बाहर के कोई मामले हैं। ये जो लोग अभी हाल में आए हैं और आ रहे हैं उनमें इस तरह के कुछ जिलों से प्रदेशों से जो आए उसमें मिल रहा है मामला, इसको देखते हुए हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। और प्रखंड में अब हम लोग जो रेड डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं उनको अलग रखने की व्यवस्था किए हैं, इसका निर्देश हम लोग दे दिए हैं अभी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को, सभी संबंधित को। और जो ग्रीन और ऑरेंज जोन से जो लोग आए हैं उनको हम लोग अलग रख रहे हैं ताकि लोग मिक्स नहीं हों, और सैंपल की संख्या भी हम लोग बढ़ाएंगे ताकि इस प्रकार के जो लोग हैं वो चिन्हित हो जाए।